Hello, bachcho. Let's read the question. The ratio of mean distances of three planets from the sun are 0.5:1:1.5. Then the square of time periods are in the ratio of. So, bachcho, given hai hume teen planets ka distance sun se as 0.5:1:1.5. तो हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि इनके जो टाइम पीरियड्स का स्क्वायर होगा, इट मींस t1 square is to t2 square is to t2 square का आंसर क्या रेशियो आए। तो बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ले लेंगे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आया, मीन्स हम आर को पहले तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। सो दिस इज हाफ वन एंड दिस इज 3/2। अब ये मिल गया हमें आर। अब जब हम इनका क्यूब ले लेंगे तो हमें क्यूब लेने से क्या मिल जाएगा, 1/2 cube is to 1 is to 3/2 whole cube। तो ये मिलेगा 1/8 is to 1 is to 27/8। अब बच्चों तीनों में 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 is 8 is 27, जो कि हमारे पास में स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड्स का रेशियो है। तो हम देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर विल बी सी। थैंक यू।